प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो अब दिमाग में प्रश्न ये आता है कि हम किसी भी वस्तु को प्रकाश की सहायता से कैसे देख सकते हैं। अब देखिए कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु क्या करती है, उस प्रकाश को परावर्तित कर देती है, और ये परावर्तित प्रकाश जो है हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब ये वस्तु हमें दिखाई देने लग जाती है। क्या होता है कि किसी भी स्रोत से प्रकाश आया, वस्तु पर जब वो प्रकाश गिरता है तो वस्तु क्या करती है, उस प्रकाश को परावर्तित कर देती है, तो वो वस्तु हमें दिखाई देने लग जाती है। अब इसके अलावा कुछ पारदर्शी माध्यम है हमारे पास, जैसे हवा है, पानी है, कांच है, इनके हम आर पार भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैंने एक कांच का टुकड़ा लिया, देखिए कि इसके आर पार भी हम देख सकते हैं। वो इसलिए देख पाते हैं कि प्रकाश जो है इसके आर पार हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है इसमें से। इसी वजह से हम पारदर्शक माध्यमों के आर पार देख सकते हैं। अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं कि जैसे ये हमने प्रकाश के रास्ते में एक छोटी सी वस्तु रख दी, इस साइड एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब से प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश के रास्ते में एक छोटी सी वस्तु मैंने रखी है। इस वस्तु को ध्यान से देखिए, आगे एक तीक्ष्ण छाया जो है इसकी बनी हुई, एक शार्प शैडो बनी हुई है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पर जो अगली परिभाषा आ रही है वो है प्रकाश की किरण क्या होती है। प्रकाश की किरण, अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो जो ये सरल रेखीय पथ जो है, ये सीधी रेखा वाला जो रास्ता है, ये क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण कहलाता है। प्रकाश का सरल रेखीय पथ प्रकाश की किरण कहलाता है। अब देखिए जो किरणों का समूह है वो क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कई सारी किरणें हैं, ये क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। अब अगर ये समांतर है तो ये समांतर किरण पुंज कहलाएगी, और यदि दूर से आती हुई किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है तो ये अभिसारी किरण पुंज कहलाता है, और अगर एक बिंदु से निकल करके बाहर जा रही हो तो ये अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। कौन सा किरण पुंज कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाती है तो इसकी क्या बन जाती है, कि छाया बन जाती है। तो इस घटना से हमने क्या सीखा कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। लेकिन अब हम जैसे हायर
क्लासेस में जाएंगे तो एक चीज और पढ़ेंगे कि जब ये अपारदर्शी वस्तु का साइज जब बड़ा होने के बजाय बिल्कुल ही छोटा हो तो प्रकाश जो है वो इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। प्रकाश जो है इस वस्तु के किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है और ये घटना जो है ये प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। अब इसको हम किरणों के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस घटना की जो व्याख्या है वो अगर हम ये माने कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो इस प्रकार से हम इस विवर्तन जैसी घटना की व्याख्या नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि प्रकाश जो इस तरह से तरंग के रूप में चलता है। इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि ऐसी है जिनको न तो किरणों प्रकाश को एक किरण के रूप में मान करके उसको उसकी व्याख्या की जा सकती है, न ही तरंग के रूप में व्याख्या की जा सकती है। उसकी व्याख्या हम केवल तभी कर सकते हैं जब हम ये माने कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक। और इसका जो छोटे से छोटा जो कण है वो क्वांटम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वांटम कहलाता है। तब देखिए कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम प्रकाश के प्रभाव, गुण और उसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वो शाखा क्या कहलाती है? प्रकाश की या ऑप्टिक्स कहलाती है। अब जहां हम ये मान के चलते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, वो प्रकाशिकी की शाखा जो है क्या कहलाती है? किरण प्रकाशिकी कहलाती है। जिसमें हम प्रकाश को एक तरंग मान के चलते हैं वो तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स कहलाती है। जिसमें हम प्रकाश को कण मान के चलते हैं वो क्वांटम प्रकाशिकी कहलाती है। तो देखिए कि फिलहाल 10वीं कक्षा में हम रे ऑप्टिक्स या किरण प्रकाशिकी का ही अध्ययन करेंगे। अब अगला टॉपिक आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, वैसे तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम छोटी कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तल का मतलब कोई भी यहाँ पर दर्पण वगैरह हो सकता है। एक बार फिर से कि जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब परावर्तन के दो नियम हैं। पहले नियम को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक बार चित्र में कुछ बातें बता रहा हूँ, उनको ध्यान से देखिए कि जैसे जो किरण इस तल से टकराने के लिए आई उसे हम आपतित किरण कहते हैं। टकराने के पश्चात जो किरण गई है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर ये किरण टकराई उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर अगर हम एक अभिलंब खींच दें, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये अभिलंब कहलाता है। एक लंब ड्रा कर दें तो ये क्या कहलाता है? अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है इसे हम आपतन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण? आपतन कोण। और ये जो कोण है ये क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। अब आइए प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं।
इसके लिए देखिए मैंने एक दर्पण लिया हुआ है, इस दर्पण को मैं सीधा खड़ा कर देता हूँ और ये मेरे पास एक प्रकाश का स्रोत है, एक बैटरी है। इस बैटरी से मैं एक प्रकाश की किरण तो नहीं कह सकता, किरण पुंज जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। और देखिए कि इसी तल पर मैं ये प्रकाश की किरण जो है वो पैदा कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए कि ये जो किरण बैटरी की तरफ से आ रही है आपतित किरण है, टकराने के बाद जो ये किरण जा रही है परावर्तित किरण है, और जिस बिंदु पर टकरा रही है ये जो है आपतन बिंदु है। अब आपतन बिंदु पर अगर मैं एक ऐसे अभिलंब ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, तो देखिए कि अगर हम डी से ये वाला कोण माप के देखें और ये वाला कोण माप के देखें तो दोनों कोण जो है ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे हम आपतन कोण कहते हैं, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, और ये अभिलंब कहते हैं, ठीक। अब अगर इस कोण को मैं देखिए थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अगर आपतन कोण में बड़ा करता हूँ तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे हम आपतन कोण बड़ा करते जाएंगे परावर्तन कोण ऑटोमेटिक बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अगर आप आपतन कोण छोटा कर देते हैं तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इसे सरफेस के बजाय ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके किरण क्रिएट करता हूँ तो देखिए आपको जो है आपतित और परावर्तित किरण दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब हमेशा एक ही तल पर होंगे। जैसे इसी तल पर अगर ये किरण मैंने क्रिएट की है तो आपको दिखाई देगी। तब देखिए यहाँ से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निकल करके सामने आते हैं। पहला नियम तो ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल पर होते हैं। अब आइए प्रकाश के परावर्तन के नियमों को चित्र के माध्यम से समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसका जो पहला नियम है वो ये कहलाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को हम आई कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट करते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ओके। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रकाश परावर्तन के नियम मैंने आपको बताए हैं ये समतल दर्पण पर भी लागू होंगे, और समतल दर्पणों के अलावा जो गोलीय दर्पण है उन पर भी लागू होंगे। अब गोलीय दर्पण जो है ये आपको शायद इमेज में या वीडियो में इतने साफ दिखाई नहीं दे रहे होंगे कि इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो भाग जो उभरा ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, और एक ये दूसरी प्रकार का गोलीय दर्पण है, इसका भाग जो है ये बीच में से अंदर की तरफ धसा हुआ होता है,
जैसे चम्मच होता है हमारा खाना खाने वाला चम्मच जो है, ये चम्मच का सीधे भाग की तरह से अंदर दसा हुआ होता है, और ये दूसरा जो दर्पण है ये चम्मच के उल्टे भाग की तरह से ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। तो जैसे ये अवतल दर्पण कहलाता जो अंदर की तरफ दसा हुआ, जिसका चमकदार भाग अंदर की तरफ दसा हुआ है, अवतल दर्पण है जिसका भाग उभरा हुआ है चमकदार भाग, वो उत्तल दर्पण है। तो ये उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों पर ये प्रकाश परावर्तन के नियम लगते हैं, और समतल दर्पण पर भी प्रकाश परावर्तन के नियम लगते हैं। तो समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु हम रख देते हैं, कि जैसे समतल दर्पण है इसके सामने अगर हमने ये वस्तु रख दी है कोई भी, तो देखिए कि इसके क्या क्या गुण हैं। जैसे ये वस्तु हमने सीधी रखी हुई है, सीधी रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा सीधा और आभासी होता है। कि जैसे ये वस्तु हमने सीधी ली तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बना, सीधा। आभासी का मतलब ये होता कि हम सिर्फ इसको देख सकते हैं, इसको पर्दे पर या स्क्रीन पर नहीं ले सकते। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज जो है वो बिंब या वस्तु के साइज के बराबर ही होता है। जैसे जितना इस वस्तु का साइज है उतना ही इस प्रतिबिंब का साइज है। तीसरा, जितनी दूर हम दर्पण के सामने इस वस्तु को रखेंगे उतनी ही दूर ये प्रतिबिंब बनेगा। जैसे इसको मैं ज्यादा दूर ले जाता हूँ, प्रतिबिंब भी उतनी दूर बनता जाएगा। ओके, ठीक है। और जितना इसके नजदीक लेके आऊंगा प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनेगा। ओके, और प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित का मतलब होता है कि जैसे किसी वस्तु का जो लेफ्ट है, जैसे मान लीजिए हाथ है, जैसे इसका जो लेफ्ट है वस्तु का, इसका प्रतिबिंब का राइट बन जाएगा, और जो वस्तु का राइट है वो इसका लेफ्ट बन जाएगा। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं जो है वो ये है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा सीधा और आभासी होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। और प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेते हैं कि पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या होता है, कि जो वस्तु जब समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है तो वस्तु का दायां प्रतिबिंब के बाएं के बायां होता है, और प्रतिबिंब का वस्तु का बायां जो है प्रतिबिंब का दायां होता है। तो ये जो घटना है ये पार्श्व परावर्तन कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, इससे अगले लेक्चर में हम गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार के होते हैं। वैसे मैंने हिंट आपको दे दिया था, और गोलीय दर्पणों में जो है प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, तो इसको भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से करवाऊंगा। आपको लेक्चर देखते देखते सब याद हो जाएगा। तो आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा इस पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।